We have come with the promise of giving a singing superstar. और हमारे पांचों मेंटोर्स ने पिछले दो महीने में जिस तरह से मेहनत करके 12 शहरों में भारत के और 6 शहरों में से दुनिया भर के अच्छे-अच्छे गायक जो चुने हैं उनका एक अनोखा मजा आप सभी लूटेंगे। इस बार फॉर्मेट नया है, स्टाइलिंग नहीं है शो की, लेकिन उसका जो सोल है, इस सारेगामापा का जो सोल है, जो संगीत में बिल्कुल रूटेड है, वो बरकरार है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे जी ने ये कहा कि आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, और मुझे बताया गया जब कि विशाल शेखर जी आपके साथ हैं और साजिद वाजी जी, तो मुझे बेहद खुशी हुई और इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। और आगे बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट, अच्छे सिंगर आपको मिलेंगे। We are looking for complete talent, all-round talent, जिसे कहते हैं, जो स्टूडियो में अगर चले जाए तो स्टूडियो के गाने गा सके, जो स्टेज पर अगर आ जाए तो तहलका मचा दे, जो और सबसे ज़्यादा वो जो सुर से ना हिले। हम लोगों ने जो खोज की है, सबसे पहले ये देखी जो परमात्मा ने इनको आवाज़ दी है, क्या वो सुरीली है, क्या वो लय में है, उस चीज़ को हमने पहले देखा, उसके बाद फिर शुरू होता है तलफ़ुज़। देखो, बहुत सारी उम्मीदें कुछ नहीं है, दे ऑल आर वेरी यंग एनर्जीज एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी तो उम्मीद है पूरा हिंदुस्तान उनसे जुड़ाता जाएगा जिस तरीके से वो बढ़ते जाएंगे। हमारे लिए सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ आते हैं, जितना ये पार्टिसिपेंट सीखते हैं उतना ही हम सीखते हैं, और बहुत खुशी होती है जब इन्हें तरक्की मिलती है और जब इन्हें सीख मिलती है, जब इनकी सिंगिंग इम्प्रूव होती है, तो हमारे लिए इससे बड़े गर्व की बात कोई हो नहीं सकती। हम सब बहुत ही अच्छे सुनने वाले लोग हैं, सुरीले लोग हैं, सुर को समझने वाले लोग हैं, कूड़ नहीं हैं। लड़ाइयाँ वहाँ पे होती हैं जहाँ पे ईगो हो। ईगो कहाँ होती, जहाँ आदमी कूड़ हो और बेवकूफ़ हो। जब पहली बार हम पाँचों मिले थे और पहली बार हमने बातचीत की थी साथ में कि इस शो की ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, हमारे लिए इसका मकसद क्या है, तो हमने ये बात की थी कि ये जिस तरह से दिखाई पड़ता है, ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो कूड़पना जो बाजी कह रहे हैं, उस तरह के मामले में हमें ना अपने हाथ गंदे करने, ना उसके बारे में सोचना है, हमें सिर्फ संगीत का सोचना है। और चाहे वो किसी घराने, मैं तो आई एम विलिंग टू कंसीड एट दिस पॉइंट, अभी इसी वक्त मैं हार मानने को तैयार हूँ इनके सामने। वाह।